कैसे रहे दोस्तों। लास्ट वीक के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्रिएटर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छी वीडियोस को बना रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंस चैनल को भी 2 साल हो गए हैं तो इसके एक्सपेंस को भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन प्रेजेंट में जब आपका फोकस हो तो पास्ट के बारे में बात कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कुछ थॉट्स, टिप्स और एक्सपेंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। ये टिप्स शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे यूट्यूब पर जो नए चेंजेस हुए हैं उस गोल को अचीव करने में। पर्सनली मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें जो 4000 आवर्स का जो वर्स्ट टाइम है वो 1 or 2 weeks में क्लियर हो जाएगा और 1000 सब्स का जो मार्क है उसे मैं इस मंथ के एंड में या फिर मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मैं 20 तारीख से पहले क्लियर कर लूँ। फर्स्ट टाइम जब इस न्यू चेंज के बारे में मुझे ईमेल से पता चला था तब मैंने तो ये सोचा था कि यार ये गोल कितना मुश्किल है और अप्रोक्स लास्ट 2 ईयर से मैं चैनल पर वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और सबसे भी ज़्यादा मैंने वीडियो शेयर किए हैं। फिर भी मेरा चैनल इस न्यू चेंज के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं होता है। और हाँ, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है जिसमें कि आपको बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक मिलेगा। इस मूवी का एंड काफ़ी अच्छा है और होप जो है काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसमें काफ़ी बार यूज़ में लेने वाला हूँ और डिस्क्रिप्शन वर्ड के जैसा नहीं है जिससे कि बंदा ढंग से प्रोनाउंस भी ना कर पाए। और इस टॉपिक के रिलेटेड आपको काफ़ी फर्जी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जिसमें कि वो लोग कहेंगे कि एक वीडियो बनाऊंगे तो इतने व्यूज़ हो जाएंगे, 2 वीडियो बनाऊंगे तो इतने सब्स आ जाएंगे, कि इनको बोल दिया 4 वीडियोज़ बनाऊंगे तो इतना वर्स्ट टाइम आ जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों के पास में फैंस डिग्री तो काफ़ी होंगी लेकिन अभी भी गणित में काफ़ी अभ्यास की जरूरत है। गणित सबकी कमजोर होती है, मैं भी गणित में इतना अच्छा नहीं हूँ। फिर भी यार कम से कम मुझे ये तो पता है कि नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसे फर्जी चैनल पर अप्लाई होता है जो कि फर्जी वीडियोस को बनाते हैं और इसका उन आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और प्रोडक्ट रिव्यूअर्स से कोई लेना देना नहीं है जो कि अपना समय देते हैं वीडियोस को बनाने में। हार्डवर्क का कोई सोल्यूशन नहीं होता है और आपका फोकस जो है वो हार्डवर्क पर होना चाहिए ना कि वायरल वीडियोस को बनाने में। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि न्यू चेंजेस की वजह से उन लोगों को रोकेगा जिन्हें हार्डवर्क की डेफिनेशन पता नहीं है और जिनका मकसद जो है सिर्फ आर्टिस्ट लोगों को नुकसान पहुंचाने का है या फिर इधर की वीडियो को उधर अपलोड करने में। लेकिन उन स्मॉल क्रिएटर्स का क्या जो कि सालों से अच्छी वीडियोस को बना रहे हैं लेकिन अभी भी उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है। तो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग टाइप के जैसे ऐसे चैनल्स को ढूंढने के लिए तो कोई फीचर नहीं है। कैसा रहेगा अगर ओल्डर चैनल्स को रिव्यू किया जाए और अगर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो उनके वीडियोस को डिमोनेटाइज नहीं किया जाए। जैसे कि स्टीफन पोर्टर का जो चैनल है सुपर यूजर, इसमें आपको टेक्स रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। स्टीफन ने इस चैनल पर कुछ हेडफोन को रिव्यू किया है जिन्हें मैं भी रिव्यू करना चाहता हूँ और अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे कि भाई ये बंदा इतने दिनों तक आता। अब सुपर यूजर चैनल पर 1000 सब्स तो हैं लेकिन जिस तरह की क्वालिटी में आपको वीडियोस मिलेगी उसकी वजह से स्टीफन जो है काफ़ी कम वीडियोस को अपलोड कर पाता है या फिर हो सकता है कि स्टीफन की फुल टाइम जॉब है इसकी वजह से ही वो काफ़ी कम वीडियोस को बना पाता है। लेकिन अगर किसी आर्टिस्ट या फिर क्रिएटर की फुल टाइम जॉब ही यूट्यूब है तो वो इस कंडीशन में क्या करेगा। जैसे कि योहाना रेनमैन का यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर आपको म्यूजिक वीडियोस मिल जाएगी और योहाना ने कुछ गेम्स के बारे में भी ओरिजिनल और कवर सॉन्ग को बनाया है और इस तरह के कुछ और क्रिएटर्स के चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उनके चैनल पर जाकर आप कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। अगर इनकी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये करूँ कि कुछ लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम जो है जो कि स्मॉल क्रिएटर्स जनरेट करते हैं वो उनके लिए कितना मायने रखती है या फिर नहीं। लेकिन मैं ये भी कहने की कोशिश नहीं करूँ कि बंदा अगर 1000 सब्स तक भी पहुंच जाएगा तब जाके वो लैम्बो या फिर बुगाटी खरीद सकता है। कुछ लोगों के लिए मनी जो है वो नंबर 1 सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि स्टार्टिंग के जो 50 से 100 डॉलर्स जो होते हैं वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। यूट्यूब अगर आपका गोल और ड्रीम है और अगर आपके पास में कोई मैसेज है जिसे आप सभी के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के जो 50 डॉलर है इसकी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। और ना ही आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं 2018 में एक न्यू यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करूंगा तो अपनी वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर पाऊंगा, उसका पैसा जो है मुझे नहीं मिलेगा। मैं लास्ट 2 ईयर से यूट्यूब पर वीडियोस को शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में और अभी तक एक सिंगल चेक जो है मुझे यूट्यूब से नहीं मिला। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस को बनाना बंद कर दूंगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। द डार्क नाइट मैंने कम से कम 100 बार देखी होगी और काफ़ी बार मैं सोचता था कि यार अगर मैं बैटमैन होता फिर भी मैं रेचल या फिर हार्वी डेंट में से किसी एक को बचा सकता था तो फिर मेरा सुपर हीरो होने का फायदा क्या निकला। तो सोचो कि उस वक्त मैं कितना बड़ा लूजर था जो कि अपने बंदों को बचाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तब आपके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और आप काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने एक्सपन चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने 2 या 3 चैनल एक साथ में स्टार्ट कर दिए थे लेकिन स्टार्टिंग में ना तो हमारे पास में इतनी एनर्जी और रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि हम 2 या 3 चैनल में एक साथ में वर्क कर पाएँ। इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फोकस भी हमारा डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में सिंगल चैनल पर वर्क करना चाहिए, इससे आपको प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्द नजर आएगी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो जस्ट फॉर फन नाम से एक चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब आपका एक चैनल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तब आपको सेकंड चैनल को स्टार्ट करना चाहिए। मैच काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स को कैसे बढ़ाते हैं, इस बारे में मुझे तो 1% भी नहीं पता है। बस मैं वीडियो को बनाता हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। 4 महीने के बाद में वो वीडियो थोड़ी बहुत चलने लगती है, आप लोग उन्हें देखते हो और कमेंट करते हो कि तेरे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं और व्यूज़ को कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हो कि लास्ट वीक जिन वीडियोज़ को मैंने बनाया है उन पर कितने व्यूज़ हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में हर कोई बेकार वीडियोज़ को बनाता है जिन्हें बाद में वो डिलीट और हाइड करता रहता है और ये भी इस प्रोसेस का हिस्सा है और बिल्कुल नॉर्मल है। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत समय लग जाएगा स्किल बनाने में और सभी के पास में फर्जी कमेंट्स आते हैं और ये वोल्डेमॉर्ट आपका जो प्राणी है कि सभी को परेशान करता रहता है। ये लोग बीमार होते हैं, इनके पास में कोई काम धंधा नहीं होता है, इसलिए आपको वोल्डेमॉर्ट के साथ में चैट करने में अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इस बात को नोटिस किया कि जब मैं 1 or 2 weeks तक प्रोडक्ट रिव्यू बनाने के हिसाब से थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और एक सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं करता हूँ तब मेरे चैनल पर जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। और लास्ट ईयर जब बिना किसी खास रीजन की वजह से मेरा चैनल 2-3 महीने के लिए सस्पेंड हो गया था तब मुझे सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम और प्रोग्रेस को क्रिएट करने के लिए 3 महीने का समय
करने लगा था। अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपको उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है तो आपका चैनल जो है वो आपको वापस से मिल जाएगा। और इस समय अगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है तो आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्हें आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। पर्सनली मैं तो म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी समय से सीखना चाहता था, तो इस समय का यूज़ जो है वो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में सीखने में निकाला था। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट किसी चीज़ को जानने में है तो उसके बारे में सीख कर आप इस समय को निकाल सकते हैं। और जब आपका चैनल आपको वापस मिल जाता है तब आपको मोमेंटम को क्रिएट करने में फोकस करना चाहिए, और जब मोमेंटम आपके साथ में होगा तब आपको एक महीने में इतनी प्रोग्रेस नजर आएगी जो कि आपको एक साल में नजर आती है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तू इंग्लिश में वीडियो क्यों नहीं बनाता है, तू पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा पाएगा, या फिर यूट्यूब पे काम करने से कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब थोड़े दिन में बंद होने वाला है। तो इनसे तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं टाइटेनिक का नाम चेंज करके इसे यूट्यूब रख दूँ और यूट्यूब नाम का जहाज जो है वो डूबने वाला है, तो मैं उस बंदे के लिए मरना पसंद करूंगा जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इस केस में वो काम करके जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ड्रामा थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।